Thank you.
फिर आ गया, सब मरेंगे सब मरेंगे, जो जिंदा है वो भी मरे हुए, बस दफन होने बाकी है, दफन हो रहा। पकड़ लो सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। कभी कभी ऐसे लगता है अम्मा जैसे अपने हाथों से मुरीद को कहीं रख कर भूल गई हो। तो ऐसे करता है कोई, ऐसे करता है कोई अपनी औलाद के साथ। देखिए देखिए वक्त ने कैसी धूल डाल दी आपके पेट में। अम्मा एक सवाल बहुत तंग करता है मुझे, मैं जालिम तो नहीं होता, मैं तो मजलूम हूं। तोमीन कुरेशी ने किया है तुम्हारे साथ, मेरे बचपन के साथ, मेरी पूरी जिंदगी के साथ। एक जुल्म हो गया है बच्चे अब्बा, तो हुआ बेगम सरवा के साथ सुलभ हो गया है। अब जानती है क्या, मोहब्बत करने लगी है वो मुझसे, सच्ची मोहब्बत। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मोहब्बत करने लगी है वो मुझसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अपनी माँ से मोहब्बत करता तो यही मोहब्बत अपनी बीवी के साथ गुजार।
मुरीद मुझे कॉल बैक कर। हालात हमारी सोच से भी ज्यादा खराब हो गए हैं। मीन कुरैशी ने मुझे मारने का फैसला कर लिया तो किस्मत अच्छी थी, बच गया मैं। ज्यादा देर किस्मत अच्छी रहेगी नहीं, इसीलिए कल का सूरज चढ़ने से पहले मैं अमीन कुरैशी को खत्म कर दूंगा। साइट एरिया जा रहा हूँ, कल हर हाल में अमीन कुरैशी को मैं मार दूंगा। मुरीद मुझे कॉल बैक कर। हालात हमारी सोच से भी ज्यादा खराब हो गए हैं। अमीन कुरैशी ने मुझे मारने का फैसला कर लिया है तो किस्मत अच्छी थी, बच गया मैं। ज्यादा देर किस्मत अच्छी रहेगी नहीं, इसीलिए कल का सूरज चढ़ने से पहले मैं अमीन कुरैशी को खत्म कर दूंगा। साइड एरिया जा रहा हूं, कल हर हाल में अमीन कुरैशी को मैं मार दूंगा। नहीं मुरीद, मेरे बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए। वो तुम बचा लो, वो तो तुम्हारा दोस्त है ना मुरीद। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूं, वो मुस्तफा है, उसे ठानने में वो नहीं रुक रहा। तुम रोक सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। बेगम साहब, हाथ मत जोड़िए मेरे सामने, मेरे बस में कुछ नहीं है। सामने हाथ क्या, मैं तुम्हारे पैर भी पड़ सकती हूँ, बस मेरे बाबा को बचा लूं। पड़े कितने प्यारे होते हैं ना ये खून के रिश्ते। आपके बाबा आपको कितने प्यारे हैं, हालांकि गुनाहगार है वो, और मेरी माँ, मेरी माँ भी मुझे बहुत प्यारी थी। वो तो गुनाहगार भी नहीं थी, लेकिन मार दिया अमीन कुरैशी ने। आप नहीं जानती बेगम साहिबा, आपका बाप अमीन कुरैशी इस जमीन पर बोझ है, न जाने कितनी जिंदगी तबाह कर चुका है, जब तक जिंदा रहेगा तबाह करता रहेगा। मेरा क्या है, मैं तो आपकी बात मान लूंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझ पर वक्त को तो मोहब्बत हो गई आपसे, लेकिन उनमें से कोई नहीं रुकेगा, कोई मना नहीं होगा जिनकी मोहब्बतों का कत्ल किया है आपके बाप ने। मुरीद, चाहे कुछ भी हो, मेरे बाबा है। कितने जालिम होते हैं ना ये खून के रिश्ते, इंसान को कितना खुदगर्ज बना देते हैं। तो मैंने हमारा रिश्ता निभाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी मुरीद। रिश्ता जो भी हो, मोहब्बत मांगते, खून के आखिरी कतरे तक वफा मांगते, चाहे रिश्ता खून का हो या मुरीद। तुम प्लीज बाबा को बचा, मैं सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। किसका, किसका बर्बाद हो जाएगा? आपका, मुरीद का तो कब का बर्बाद हो चुका है। तुम्हारी नहीं हूं। मुरीद, मैंने तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। नारद, हमारे हर दुख को अपना समझा। शुरू में शायद वह सिर्फ एक अमल था, लेकिन मुझे तुमसे कब मोहब्बत होगी मैं खुद भी नहीं जानती। सब कुछ भले किसी मसलियत के तहत हुआ, लेकिन मेरी मोहब्बत खालिस है,
किसी और का नाम से ये मोहब्बत का ही भरम रख लो। वही तो अपने दोस्त को रोक, ये कमल सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसा नहीं होता बेगम साहिबा, ये मर्दों की जंग है, खून मांगती है, किसी न किसी एक का तो खून बहेगा, चाहे वो मैं हूं, अमीन कुरैशी या मुस्तफा। फिर मुझे भी सिर्फ में खड़ा कर दो, मार दो मुझे भी मुरीद। तुम्हारी वाकत बट और अब मेरा बट्टा भी तुम्हें नहीं रोक सकता। दुआ कीजिए, हम सोचते रह जाएंगे मुरीद, सोचते रह जाएंगे, और वो वहां हमारी कब्रें बना देगा। क्या हो, शुक्र कर तेरे सामने जिंदा बैठा हूं, वरना अभी तू मेरी तकसीम के इंतजाम कर रहा हूं। भेजे थे लोग मारने के लिए मुझे, किसने? अमीन कुरैशी। शुक्र है रजाक ने बता दिया, मुझे बच गया, शुक्र है मेरे अल्लाह। अब बच गए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, आप मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। पर मुस्तफा भाई, एक बात तो तय है, जब जंग होती है तो किसी का कोई ना कोई अपना जरूर मारा जाता है। एक बात कहूं, कुछ देर के लिए जंग रोक देते हैं, क्या कह रहे हो? ये कह रहे हैं कि मैं तीर दिखा दूं। भागने में और रुकने में फर्क होता है मुस्तफा भाई, एक ही बात है मुरीद, दोनों सुरतों में पीठ नजर आती है और दुश्मन पीठ पे वार करने से पहले सोचता नहीं है, तू जानता है। अमीन कुरैशी ने आपके साथ जो कुछ किया आपकी आंखों के सामने किया, पीठ पर वार तो आप कर रहे हैं मुस्तफा भाई। ये कौन बोल रहा है तेरे में? कहीं प्यार तो नहीं हो गया तुझे? मोहब्बत तो आज भी करते हैं मलाइका भाभी से, इसीलिए मलाइका भाभी से बदला नहीं ले रहे, अमीन कुरैशी से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं आप। नफरत करता हूं उससे मैं। हाँ तो एक ही बात है, आपकी मोहब्बत ने इस नफरत को जना है, इसीलिए मलाइका भाभी की बजाय अमीन कुरैशी से बदला लेने की कोशिश कर रहे हो आप मुस्तफा भाई। माफ तो मैं मलाइका को भी नहीं करूंगा। हाँ तो माफ मैं भी अमीन कुरैशी को कभी नहीं करूंगा। सिर्फ कुछ दिन इस जंग को रोक दो मुस्तफा भाई। होश में है? होश में है तो ये बात इस काबिल नहीं है कि आगे तुझसे बात की जाएगी। भाई कहा है तुझे मैंने, इस फायदा मत उठा, जान हाजिर है मगर ये बात आइंदा नहीं करेगा तू। मैं मरूं या मारूं मुझे नहीं पता, लेकिन मैदान जंग छोड़ के मुस्तफा नहीं जाएगा।
मुझे मजबूर मत करो मुझसे। मैंने किसी के साथ वादा किया है, जिस माँ की वजह से ये जंग शुरू हुई थी उसी माँ का वास्ता दिया है किसी ने। निहत्ता हूं इसीलिए गोली चलाएगा। एक काम कर, मार, चला गोली, क्योंकि अगर आज मैं बच गया हूं तो कल अमीन कुरैशी जिंदा नहीं रहेगा। अगर हम दोनों ही एक दूसरे के रास्ते में आ गए हैं तो किसी एक को तो हट रहा होगा ना मुस्तफा भाई। चलो खेल खेलते हैं, जिंदगी और मौत का खेल। एक गोली, इस पे या मेरा नसीब लिखा है या तुम्हारा। चलाओ। पांचवी दाम, यानी कि आखिरी गोली। और ये अगर ये गोली चम गई तो ठीक है, वरना आखिरी गोली मेरे मुकद्दर का फैसला करेगी। Ah!
कह रहा हूँ मुस्तफा भाई, बस सारा का सारा कुछ धरा रह जाएगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। क्या कर रहे हो? माफी चाहता हूँ मुस्तफा भाई, ये क्या किया यार, तुम हार गए। और सिर्फ इस खेल में उम्मीद, मगर जिंदगी के खेल में तो मैं जीत गया। मेरी जान, मेरे भाई, चला गुल। चला। बहुत गरीब हूँ मुस्तफा भाई, मेरे वाले तुम्हारे अलावा और बेगम साहिबा के अलावा और कोई नहीं है, ना मैं तुम्हें खो सकता हूँ ना बेगम साहिबा। काश मैं मर जाता, जो माफ कर दे मुरी, लेकिन मेरा दर्द तेरी दोस्ती से थोड़ा सा बड़ा है। जो माफ कर दे